तो चलिए सब जगह आप लोग को दिखाते हैं, है ना। एक्चुअली हम लोग पिकनिक करने के लिए नहीं आए, सिर्फ हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं, किसी और दिन में आएंगे, है ना। तो वो गए हैं उधर कार लगाने के लिए, उसके बाद आएंगे। तो अभी हम लोग इधर से जा रहे हैं। चलो इधर बाबू है, काफ़ी संख्या में लोग वहाँ आते हैं पिकनिक करने के लिए। इधर खाना बना रहे हैं, सेंट भी अच्छे से आ रहा है, है ना, मटन चिकन का। तो देखते जाइए आप लोग, और ये बहुत ही अच्छा है पिकनिक स्पॉट। यहाँ पर बहुत सारे जगह से आते हैं, और ये न्यू ईयर में इस तरह से सभी लोग यहाँ पिकनिक मनाते हैं। आप देख सकते हैं रोड के उस साइड बड़े बड़े बस लेकर आए हुए हैं, और भी बहुत चीज़ आप लोग को दिखाने वाले हैं। आप लोग ब्लॉग पर बने रहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड आज है 1 जनवरी, और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। सभी को बोलिए इधर पीछे वाले, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, तो हमारा जितने भी यूट्यूब फैमिली हैं, जितने भी फ्रेंड हैं, आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और अभी धूप बहुत ज़्यादा हो गई है, अभी सुबह के बज रहे हैं 11, और अभी हम देखिए नहा हुआ के फिट फाट होकर के बिल्कुल रेडी हैं 2024 का वेलकम करने के लिए। और वेलकम हो चुका है, और अभी देखिए हम लोग आ गए हैं रजरप्पा मोड़, यानी कि रजरप्पा में आ चुके हैं। ये देख सकते हैं आप नज़ारा, वो रहा रजरप्पा मंदिर। तो पहले प्रणाम कीजिए, अगर जो यदि इस राज्य के हैं तो भी, और अलग अलग राज्य के हैं वो भी, सभी को प्रणाम कर लीजिए। और आपको आज हम दिखाने वाले हैं पिकनिक स्पॉट, है ना। रजरप्पा में बहुत सारे लोग आते हैं पिकनिक करने के लिए, तो हम लोग आज विशेष रूप से एक्सप्लोर करने वाले हैं पिकनिक स्पॉट को। और देखिए बाबू उधर है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, और आपको दिखाते हैं रजरप्पा में किस तरह से सभी लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ पिकनिक वगैरह करते हैं। तो आप पहले शुरुआत करते हैं यहीं से। अरे बच्चा, अच्छा से रहो ना, का तुम कर रहे हो? तो इधर पिकनिक स्पॉट दिखाओ। हाँ, तो धूप बहुत ज्यादा है, तो हम पहले पहन लेते हैं अपना गॉगल्स। तो ये देख सकते हैं आप, हमारे आगे एक फैमिली यहाँ पिकनिक मना रही है, और पिकनिक इतना सारे लोग आए हुए पिकनिक करने के लिए। है, हाँ, मतलब देख लीजिए यहाँ शुरुआत हो चुका है पिकनिक का, और बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। यहाँ खाना बन रही है, और बहुत अच्छा सुगंध भी आ रहा है मटन का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आ जा, तो फ्रेंड मैं अभी आ गई हूँ इधर। और देखिए सभी लोग अपने आज जो न्यू साल है बहुत ही बेहतर बनाने के लिए अपना जो है डीजे भी लेके आए हैं उधर, देखिए। क्योंकि खाने पीने के बाद जो है डांस करने का भी जब मन करेगा तब फिर ये डीजे चलेगा उस टाइम। और आप देख सकते हैं वो उधर भी एक ग्रुप लगा हुआ है, और उधर भी सभी को पिकनिक करने में लगे हुए, खाना वगैरह बना रहे हैं। तो बहुत सारे जगहों से लोग यहाँ आए हुए हैं पिकनिक करने के लिए, तो मैं कोशिश कर रही हूँ लोग से पूछ के बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। तो चलिए उन लोगों से पूछते हैं कि कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं पिकनिक करने के लिए, है ना। तो चलिए आप लोग को ले चलते हैं नीचे नदी की ओर, जहाँ भारी संख्या में लोग पिकनिक मना रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए कितना ही सुंदर नज़ारा है, डीजे वगैरह सब कुछ बन रहा है, काफी संख्या में लोग आए हुए हैं। उधर देखिए भैरवी नदी और दामोदर, कहाँ बैठेंगे? चलो ना, यहाँ बन रहा है खाना, वहाँ बैठेंगे। यहाँ देखिए एक आंटी इधर खाना बना रही है ना। क्या आंटी, आपका खाना बन गया? कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं? हम लोग जरंडी से। जरंडी से? हाँ। अच्छा, आप लोग उतना दूर से आते, देख सकते हैं आप लोग कि कितने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं पिकनिक मनाने। तो कैसा लग रहा है पिकनिक मना के? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो देखिए आंटी बहुत खुश है, और देखिए उनका खाना बन रहा है। आंटी इधर भी चावल अभी धो रहे हैं। पूजा करने किया है ना। अच्छा अच्छा, पूजा करके भी इधर पिकनिक मना रहे हैं ना, दोनों काम हो जा रहा। चलिए बहुत अच्छा, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। हाँ हाँ, वही पूछ रहे हैं कि आप लोग कहाँ से आया है? बेरमो से ना। चलिए, तो आप लोग यहाँ आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना। और यहाँ माँ छिन्नमस्तिका का भी मंदिर है, तो और भी पावन लग रहा होगा। हाँ चलिए,
यहाँ देख लीजिए कितनी भारी संख्या में लोग आए हुए हैं, अपने अपने फुल परिवार के साथ आए हैं। बिल्कुल ये फुल फैमिली पिकनिक है। वहाँ देखिए कुछ लड़के वहाँ पर पिकनिक कर रहे हैं। और वहाँ रहा मेन मंदिर माँ छिन्नमस्तिका का, थोड़ा सा यहाँ पथरीला जगह है लेकिन है बहुत अच्छा, मतलब सीन इस तरह से बहुत सभी को एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए कहीं और चलते हैं। और यहाँ देखिए कुछ लोग यहाँ पर पिकनिक मना रहे हैं, खाना बना रहे हैं। ये देखिए अंकल को इधर जो है, अगर यदि ज़्यादा लोग होते हैं तो इस तरह से अपना डेग भी लेकर के आते हैं, बड़ा बड़ा ग्रुप में अगर आते हैं तो इस तरह से अपना सारा बर्तन लेके आइए। बाकी यहाँ पानी वानी का बिल्कुल व्यवस्था रहता है। और यहाँ देखिए दामोदर नदी और भैरवी नदी का संगम स्थल भी है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खाना स्टार्ट कर दिए हैं और बहुत सारे भी जो है बनाते ही हैं। इधर देखिए, उधर एक घंटी अभी चूल्हा जला ही रही है, देख सकते हैं। चलिए एक और फैमिली से आप लोग को मिलाते हैं कि उनको यहाँ कैसा लग रहा है। थोड़ा सा बॉलीवुड सॉन्ग बज रहा है पर फिर से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा। चलिए यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे लेकर आए। तब बाबू कैसा लग रहा है, पूछते हैं। भैया आप लोग कहाँ से आए हैं? ललपनिया से। देखिए भैया आए हैं ललपनिया से, और यहाँ आकर के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा था। आप लोग का पिकनिक कैसा रहा? अच्छा रहा। सबसे अच्छा रहा। तो खाना वाना बन गया है? ये अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं ना। तो खाने में क्या क्या बना रहे हैं? मटन चिकन या फिर चिकन बना रहे हैं? मतलब कोई भी ऐसा नहीं है, सबसे पूछ के देखिए कि कोई वेज बना रहा, सभी कोई मतलब नॉन वेज ही बना रहे हैं। तब पूरा परिवार के साथ आए हैं? परिवार के साथ। अच्छा ठीक है। तो यहाँ का आपको कैसा लगता है श्रीनगर वातावरण? बहुत अच्छा लगता है ना। और साथ में माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर भी है, तो और भी अच्छा हो गया होगा आज का पिकनिक आप लोग के लिए। बहुत अच्छा है ना, कैसा लग रहा? देखिए छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे, काफी इंजॉय कर रहे हैं। तो ठीक है, उधर भाभी बैठी हुई है। देखिए अभी कुछ देर बाद खाना खाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए किसी और जगह में चलते हैं, आप लोग को सब जगह का एक्सप्लोर करके बताते हैं। देखिए बाबू आइसक्रीम ले रहा है। दिखा दिया आप लोग का आज तो 1 जनवरी में पूरा धूम धड़ाके से इधर हो रही है पिकनिक। और यहाँ देखिए हमारे पीछे भी एक बड़ा सा बस लगा हुआ है, ये देखिए। और यहाँ झारखंड से भी तो नहीं, बहुत सारे अनेक राज्यों से लोग यहाँ आकर के पिकनिक मना रहे हैं। तो अपने हम लोगों ने जहाँ तक सका वहाँ तक आप लोग को दिखाया पिकनिक स्पॉट, और सभी जगह सभी लोग बहुत ही अच्छे से खुशी से पिकनिक वगैरह कर रहे हैं। तो ठीक है, आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पर रखेंगे, बहुत लेट हो चुका है। तो आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा? अगर यदि अच्छा लगा तो ढेर सारा लाइक कीजिएगा, चैनल में नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ढेर सारा कमेंट कीजिएगा। तो ठीक है, आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पर रखते हैं। तो कल फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर।